हमारे साथ जिला कांग्रेस के युवा अध्यक्ष पंकज कुमार पंकु मौजूद हैं। सर, आज 6 बागियों ने जो है वो भाजपा ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल शर्मशार हुआ है, हिमाचल के लोग शर्मशार हुए हैं, धर्मशाला के लोग शर्मशार हुए हैं कि जो कृत्य बीजेपी की सरकार ने बीजेपी में इनको लेके किया है। ये बहुत ही हमारे हिमाचल वासियों के लिए बहुत ही दुख का क्षण है, शर्मशार होने वाली बात है। अगर हिमाचल जैसे प्रदेश में, शांतिप्रिय प्रदेश में ऐसे कृत्य यहाँ होने लगे तो कल को पता नहीं ये रिवाज क्या और कृत्य यहाँ पर करवाए। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हिमाचल की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि हिमाचल में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार थी और बड़ी अच्छी से चल रही थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो वादे किए थे, जो 10 हमने गारंटियाँ दी थी, उसमें से 5 गारंटियाँ 15 साल में, इवन कि हमारे पास आर्थिक बदहाली होने के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री ने इतना अच्छे से काम किया है कि जो 5 गारंटियाँ थी, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी थी, चाहे वो युवा स्टार्टअप फंड की बात थी, चाहे 1500 महिलाओं की बात, तो ये सारी की सारी जो गारंटियाँ थी 5 वो पूरी की हैं और आगे भी जो बाकी गारंटी थी वो पूरी करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो काम किया है, ये जो 6 विधायकों ने, जो पूर्व विधायकों ने, ये बहुत बड़ा काम, गलत काम किया है। लोग धर्मशाला की जनता आने वाले विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में इनको जवाब देगी। जी पंकज जी, अगर बात की जाए ये 6 बागी जो हैं कांग्रेस से गए हैं भाजपा ने, तो भाजपा के जिनका हक था उन अगर चुनावों के दौरान टिकट देती है भाजपा, और जिनका एग्जैक्ट हक था इतने महीनों से, इतने सालों से लगातार नेता, भाजपा नेता जो है वो उस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ना लगता नहीं है कि ये हक उनसे छीना जा रहा है भाजपा के ही द्वारा, अपने ही नेताओं का? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, एक हिमाचली होने की बात करूँगा। ये तो हिमाचल के लोगों का हक छीन रहे हैं। देखिए बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 6 लोग जो थे, ये जो भागी विधायक थे, ये जीत के किस जिताया इन्होंने, कांग्रेस पार्टी की झोली में जिता के भेजा, लेकिन इन्होंने बीजेपी का दामन जो थामा है, कहीं ना कहीं इनका जो अपना पर्सनल बेनिफिट वो देखा, लोगों की जनता का इन्होंने कोई यहाँ पर ख्याल नहीं रखा और जनता के साथ ये सरेआम धोखा है। और हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, जब हिमाचल के ऊपर कोई बात आएगी, ये शर्मशार होने वाली जो बात हुई है, तो कोई भी जो लोग हैं इनको पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, और इनको निरादर किया जाएगा और हिमाचल की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। जब भी ये इलेक्शन लड़ेंगे तो इनको हरा के, इनके अगेंस्ट वोट करके, हिमाचल की जनता चाहे वो बीजेपी से संबंध रखती है, चाहे कांग्रेस संबंध रखती है, इनको हरा के ये हिमाचल अपना बदला जरूर लेंगे। युवा नेता होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिन्होंने अभी पहली बार भी वोट डालना है, और युवा जो है इसको सपोर्ट करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं खुद युवा हूँ, आपको पता है जब मैं विपक्ष में था तब भी मैं युवाओं की हमेशा आवाज़ उठाता रहा, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन का मामला हो, चाहे अग्निवीर जैसा सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो आज भी है, तो वो उसका मामला हुई, हिमाचल का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर गग्गल में जब मोदी जी आए थे तब हुआ था। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं की बात करती है और युवा हमेशा बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी का साथ देते हैं, तो युवाओं की जो बात है वो हमेशा कांग्रेस के साथ है। और अभी देखिए JO817 का जो पिछले बीजेपी गवर्नमेंट से लेके बेचारे हमारे जो बच्चे थे, कभी शिमला में प्रोटेस्ट, कभी धर्मशाला में प्रोटेस्ट, कभी कहीं प्रोटेस्ट, तो ना पूर्व के मुख्यमंत्री ने सुनी और ना बीजेपी गवर्नमेंट ने सुनी। अब देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने JO817 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। रही महिलाओं की बात, महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात की गई थी, तो 1500 की जो फॉर्म थे वो भरने शुरू हो गए थे, लेकिन बीजेपी देखिए कितना दोगलापन है इनके लोग, इन लोगों में जब आपदा आएगी तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए, जब हमारे सदन में, माननीय सदन में, विधानसभा में कांग्रेस के सभी विधायकों ने पक्ष में वोट किया था कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग रहते हैं, बीजेपी के भी लोग रहते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक हिमाचली हैं, एक भारतीय हैं, तो उनका भी बीजेपी के लोगों का इतना जिम्मेवारी बनती थी कि सब अपने हिमाचल के विधायकों का और हिमाचल के लोगों का साथ देते ताकि राष्ट्रीय आपदा घोषित होती और हिमाचल हमारे दोबारा से खुशहाल होता, बदहाली से दूर होता। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो भी काम है बड़ा अच्छे से किया, चाहे युवाओं का, चाहे महिलाओं का। तो महिलाओं की 1500 की बात की जाए, तो जब पहले मुख्यमंत्री जी बोलते थे, पूर्व के जो हमारे जयराम जी थे, कि 1500 नहीं दिया, महिलाओं को ठग रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जा रहे हैं, 1500 के साथ धोखा किया, लेकिन जब गवर्नमेंट ने दे दिया तो आप उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं?
मैं बताना चाहूँगा, बीजेपी ये सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकता है, उसको जनता की कोई परवाह नहीं, ना युवाओं की, ना महिलाओं की, ना कर्मचारियों की। हिमाचल में ओपीएस दे दी गई है, और जैसे भी आप लोगों को पता इसी प्रकरण में राजस्थान में ओपीएस दी गई थी, लेकिन जैसे बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ दोबारा आई उन्होंने ओपीएस बंद कर दिया। तो कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल के युवाओं के मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल की महिलाओं बहनों के मुख्यमंत्री हैं, बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और हिमाचल के बारे में सोचने वाले। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।